सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए आज का, हाउ टू क्रिएट ए सिंपल प्रोग्राम, सी प्रोग्राम। ठीक है, हाउ टू क्रिएट ए सी सिंपल प्रोग्राम, पोस्ट में लिख लीजिए फर्स्ट प्रोग्राम, लिख लीजिए हाउ टू क्रिएट फर्स्ट प्रोग्राम, हाउ टू क्रिएट सी फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। तो लिखिए, सबसे पहले लिखिए, ये आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड में लिखिए जीरो लेवल से, सबसे लिखिए विंडो के साथ आठ दबाएंगे। मैंने ये गलत हो गया, रुक जाओ, पहले एक सॉफ्टवेयर लोड कर लेना बच्चों, जिसका नाम है टर्बो सी। अभी लोड करना हम बताएंगे, नेट से अभी लिंक करना भी बताएंगे, लोड करना भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम एक सॉफ्टवेयर लोड करेंगे कंप्यूटर में। तो लिखिए स्टेप नंबर वन, फर्स्टली वी इंस्टॉल द टर्बो सी सॉफ्टवेयर। फर्स्टली वी इंस्टॉल द टर्बो सी सॉफ्टवेयर इन आवर कंप्यूटर। सबसे पहले हम कौन सॉफ्टवेयर लोड करेंगे बच्चों? टर्बो सी सॉफ्टवेयर। तो अब हेडिंग डालिए दूसरा पॉइंट, उसके बाद लिखिए स्टेप नंबर दो, ओपन द नोट पैड। उसके बाद ओपन द नोट पैड, तो नोट पैड में जाने गए हो, विंडो के साथ आर दबाना है, लिखिए विंडो प्लस आर से नोट पैड खुल जाएगा, क्या दबाना है? विंडो प्लस आर, यहां पे लिखना है नोट पैड। लिखने के बाद सबसे पहले नोट पैड खोल लेंगे, नोट पैड खोलने के बाद इसे कोडिंग करेंगे, जिसे सोर्स कोड कहते हैं। आप लिखिए टाइप कोडिंग, जैसे हम टाइप कोडिंग, स्टेप नंबर थ्री, टाइप कोडिंग, कोडिंग जिसे सोर्स कोड कहते हो। बताए थे आप लोगों को सी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए हम जो भी कोडिंग करेंगे वो इंग्लिश में करेंगे, क्योंकि हाई लेवल इंग्लिश ही होता है। तो अब यहां से हम कोडिंग करना चालू करेंगे, लिखेंगे हैच इंक्लूड, एकदम याद कर लीजिए, जैसे मैं याद किया हूं उसी तरह आपको याद है, स्टूडियो डॉट एच, फिर लिखना होगा हैच इंक्लूड। देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वही होता है, कभी भी कोडिंग करे कभी भी एक भी एरर आना नहीं चाहिए, याद रखिएगा। जिस दिन आपके कोडिंग में एरर आने लगा, आप समझिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है। आप जितना भी कोडिंग करिएगा कभी भी कंपाइलर को गलत ना बताएं, कभी भी कोडिंग करने के बाद एरर नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले लाइन लिखेंगे हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर लिखेंगे हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच, फिर लिखेंगे वाइट
मेन ओपन क्लोज ब्रैकेट, याद रखिएगा सेमी कॉलन नहीं लगेगा इसके बाद, फिर ओपन ब्रैकेट, इसको हम बताएंगे मझौला कोष्टक भी कर सकते हो, आगे इसका एक और नाम बताएंगे कर्ली ब्रैकेट्स, आगे बताएंगे इसका नाम, यहाँ पे सही तो अब यहाँ पे हमें कुछ प्रिंट कराना है, फर्स्ट प्रोग्राम है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट ऑफ, हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए आप लोग माइक्रो किंग में हो तो लिखेंगे वेलकम इन माइक्रो किंग, वेलकम इन माइक्रो किंग, मान लीजिए हमने लिख दिया, फिर सेमी कॉलन लगाना है, दो मैसेज कराना है तो इसी को एक बार और हम लिख देंगे कंट्रोल सी, यहाँ पे लिख दिया वेलकम इन, मान लीजिए हमने लिख सी प्रोग्रामिंग, ए मनीष सर देख लीजिए ऑनलाइन क्लास, मान लीजिए हमने दो बार प्रिंट करना चाहते, दो बार प्रिंट करना चाहते तो जितना बार अगर आपको आउटपुट देना है उतना बार प्रिंट आप क्या कर सकते हैं, ये याद रखिएगा कि दो लाइन प्रिंट करना है तो इसे लगा दिए, उसके बाद लगाएंगे गेट सी एच, क्यों लगाएंगे स्क्रीन को रोकने के लिए, फिर यहाँ पे कोष्टक लगा दें, चलिए ये आपका सिंपल प्रोग्राम। स्टेप नंबर थ्री में क्या लिखे थे, ये कोडिंग है, ये जो कोडिंग किए हो कौन कोडिंग किए हो बच्चों, हाई लेवल किए हो, कौन कोडिंग किए हो, हाई लेवल कोडिंग किए हो, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग एक हाई लेवल लैंग्वेज होता। अब आइए कोडिंग है तो इंग्लिश में हम लिखे हैं, क्या कंप्यूटर इसे इंग्लिश में समझेगा, नहीं समझेगा, तो अब इसे हम कंपाइल कराएंगे तभी आउटपुट आएगा, तभी मत समझ जाइएगा आउटपुट, अभी मैं समझा के कंप्लीटेशन बताऊंगा, एग्जाम में ओ लेवल में 5 नंबर में आता है कि एक प्रोग्राम कैसे कंप्लीट होता है, तो ये कोडिंग आपकी इम्पोर्टेंट हो गई। अब बात आ जाएगी यहाँ पे कि अब ये कोडिंग कर लिए तो अब चौथा स्टेप नंबर 4 लिखिए बच्चों, 3 हुआ कोडिंग हो गया, स्टेप नंबर 4 जो बच्चे हो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, यार स्क्रीन शॉट भी ले लिया करो कि अगर, हालांकि लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे ना तो बता दो एग्जाम में लिखना पड़ता है, इसलिए बच्चों ले रहे हैं सर स्क्रीन शॉट ले रहे हैं, जो बात सीधा बात एग्जाम में लिखना पड़ता है, इसलिए कोई लड़का स्क्रीन शॉट ले लिया तो लिखेगा जरूर, तो लिखते रहिए आप लोग। अगली पॉइंट क्लिक करने के बाद अब लिखिए सेव फाइल, देखिए सेव फाइल, फाइल को सेव करेंगे विथ, देखिए सेव फाइल विथ सी एक्सटेंशन, सी एक्सटेंशन, सी एक्सटेंशन का मतलब है मान लीजिए आप कोई भी नाम से सेव करते हो, जैसे मान लो मेरा नाम है राज सर डॉट सी पी पी, या आपका नाम है कमलेश तो कमलेश है ना, या कमला डॉट सी, या अजय डॉट सी पी, किसी नाम से सेव कर दो, मतलब ये सी लगना होना चाहिए, हम लोग सी पी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे सपोर्ट कर जाएगा, तो तीनों में कोई भी नाम ज्यादा यूज यही होता है, तो लिख लो कोई भी अपना नाम डाल के इसी नाम से सेव करना होगा, याद कर लीजिए, लिख लीजिए कोई भी नाम डालो अपना, अंगद मंजय जो भी नाम है संजय, कोई भी नाम डाल के डॉट सी लगाना हमारे। अब आइए ये फाइल कहाँ सेव करोगे बच्चों, टर्बो सी के अंदर यूज करोगे, सेव करो क्यों, क्योंकि वो कंपाइलर होता है, तो लिखिए इस फाइल को कहाँ सेव करना, लिखिए स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 तो लिखो सेव फाइल
इन टर्बो सी, इन टर्बो सी, टर्बो लिख लो स्पेलिंग, टर्बो सी प्लस प्लस बिन फोल्डर। किस फोल्डर के अंदर सेव करते हैं बच्चों? फोल्डर, ये रूल है। ये ठीक है, फोल्डर में सेव करना है। चलिए तो लिखो क्लिक ऑन फाइल, उसी में लिखो कैसे कहाँ है। तुम लोग पहली बार हो ना तो देखना, एक बार क्यों लाइव में एक बार सेव करना, ऑटोमेटिक वहीं सेव होने लगेगा। तो लिखे क्लिक ऑन फाइल, सेव एच या सेव, सेव सेव करोगे किस ड्राइव में कहते जाने के लिए? कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। देखिए क्लिक ऑन कंप्यूटर, क्लिक ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर कंप्यूटर में यहाँ कौन सा लेना है? देखिए विंडो 10 है तो पीसी लिख के आ रहा है, अगर विंडो 7 होगा तो क्या लिख के आएगा? माई कंप्यूटर लिख के आएगा। अब इसके अंदर हमें किस ड्राइव में जाना है? यहाँ लोकल सी ड्राइव पे क्लिक करना है। लिखिए क्लिक ऑन लोकल सी ड्राइव, हेलो थोड़ा बाद में फोन करिए अभी क्लास में। तो सेलेक्ट सी ड्राइव, इसके अंदर जो आप सॉफ्टवेयर लोड किए रहेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें टर्बो सी के नाम से आ जाएगा। तो लिखिए सेलेक्ट टर्बो सी, ऑटोमेटिक वो नाम आ जाएगा। अभी एक बार दिखा रहा हूँ, ऑटोमेटिक आ जाएगा टर्बो सी। उसके अंदर एक फाइल देगा टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर एक, उसी के अंदर एक ऑप्शन देगा बिन। कौन ऑप्शन देगा? बिन, लिखे बिन। चलिए मैं लोड कर दूं। अब ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ये डायरेक्ट बता रहे हैं, तो आइए पहले एक सॉफ्टवेयर लोड कर दूं तब आप लोगों को दिखाई देगा। तो पहले उसी पर लिख लो, थोड़ा पन्ना छोड़ दो, थोड़ा तीन लाइन छोड़ दो यहाँ पे। यहाँ पे पहले लिख लो हाउ टू इंस्टॉल टर्बो सी, स्टेप नंबर 6 में लिख लो। तो ये कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर इंस्टॉल करना बता ही नहीं, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल था इसलिए बता दिया हूँ नहीं। तो आइए तो लिखे, पहले नेट से लोड कर लोगे तो लिखो डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट, लिखिए डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट, डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट। टर्बो सी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे, देखिए मैं अपने कंप्यूटर में रखा हूँ, तो आप जो भी चीज होगा आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए ये है सॉफ्टवेयर, सबसे नीचे है ये टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर है। लिखिए सेलेक्ट से कैसे डाउनलोड करेंगे? अभी हम डाउनलोड करना बताएंगे, अभी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए बाबू, अभी डाउनलोड करना भी बताएंगे, घबराइए मत आप लोग। पहले मैं लोड करके रखा, अभी लोड करना भी बताऊंगा, पहले इंस्टॉल कर लेने दीजिए। तो लिखिए सेलेक्ट टर्बो सी सॉफ्टवेयर ओपन, मैं अभी लोड करना के लिंक भी बता दूंगा कहाँ से लोड करना है, पहले मैं लोड कर चुका, ठीक है। सेलेक्ट टर्बो सी सॉफ्टवेयर ओपन, ओपन करने के बाद एक मिनट रुक जाइए, मैं लोडे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लोडे कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा सॉफ्टवेयर लगता है करप्ट हो गया, तो लोड करना ही बता दे रहा हूँ आप लोग को, एक मिनट रुक जाइए आप लोग।
लिख लीजिए ओपन गूगल, मेरे में वो सॉफ्टवेयर लगता है करप्ट हो चुका है, तो लिखिए ओपन गूगल, गूगल सभी लोग जानते हैं खोलना। यहाँ पे लिखिएगा जो ओएस होगा वही डालिएगा, टर्बो C++ डाउनलोड फॉर विंडो 10 लेटेस्ट वर्जन, जो ओएस होगा। देखिए गूगल में डालना है टर्बो C++ सेटअप फॉर विंडो 10 लेटेस्ट वर्जन। यहाँ पे लिख सकते हो फ्री डाउनलोड हो जाता है, उसे फ्री होता है फ्री डाउनलोड। बाबू यार 7 होगा तो 7 वाला लोड करोगे, 10 होगा तो 10 वाला लोड करोगे, जैसे ही सर्च मारोगे फ्री में आपका सॉफ्टवेयर आ जाएगा। पहले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, किस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, पहले ऑप्शन या दूसरे, दोनों से, दोनों में से लोड हो जाएगा। तो लिखिए क्लिक ऑन एनी लिंक, किसी भी लिंक पे क्लिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में कहीं से भी क्लिक कर दोगे, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दे देगा। देखो दिया है डाउनलोड टर्बो 7 में भी ये काम करेगा, 8 में भी काम करेगा, 8.1 में भी काम करेगा, मोबाइल में भी काम करेगा, सब पे काम करेगा। बहुत देखिए डाउनलोड, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए डाउनलोड हियर, देखिए क्लिक एंड डाउनलोड, बहुत आसान है, नेट से लोड करना बहुत आसान है। चलिए डाउनलोड करिए, मोबाइल में भी डाउनलोड करिए, देखिए होने लगा डाउनलोडिंग, 1 मिनट में हो जाएगा। देखिए नीचे नीचे कोने पे देखिएगा डाउनलोड अभी होगा, देखिए होने लगा, यहाँ पे देखिए एकदम नीचे देखिए डाउनलोडिंग ऑटोमेटिक होने लगेगा, ऑटोमेटिक दिया है डाउनलोडिंग, क्लिक किया कुछ सेकंड लगेंगे, ऑटोमेटिक नेट से लोड करता, सभी लोग लोड कर लोगे, मोबाइल से भी लोड कर लेना, गूगल में ही डाल के, अभी मत लोड करना बालक, अभी तक टाइम लगेगा, सही नहीं, क्लिक करोगे ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। और इतना तो आप लोग चला कह ही रहे हो कि ये डाउनलोड कर लिए तो कहाँ गया होगा, कोई बताए डाउनलोड कर लेते फाइल कहाँ जाती है? डाउनलोड फोल्डर में सर। बहुत बढ़िया, कहाँ जाती है? डाउनलोड फोल्डर में। जो भी डाउनलोड किया है कहाँ गई होगी? एक लिस्ट आप क्लिक कर दोगे तो आ जाएगा। यस सर। नहीं होगा ये डाउनलोड कर फोल्डर दिखाएगा सर। डाउनलोड फोल्डर में जाता है, कहाँ पे जाता है? डाउनलोड में जाता है। लिखिए क्लिक ऑन डाउनलोड, यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन आएगा, लिखिए ओपन पीसी, क्या दिया है क्या कंप्यूटर पे, लिखिए कंप्यूटर पे क्लिक करना है, कंप्यूटर पे क्लिक करना है, ओपन करना है, ओपन करना है, ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए बगल में डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, देखिए माउस जहाँ मेरा गया डाउनलोड का ऑप्शन गया है, डाउनलोड डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो सॉफ्टवेयर आ गया होगा, देखिए आ गया सर्वो C++, ये रार फाइल है बच्चों, रार फाइल, इसलिए इसको हम पहले हम बाहर निकालेंगे, जब आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में ऐसे लोड हो जाएगा, इंस्टॉल अभी नहीं होगा, इस पर आपको बाहर निकालना होगा, एक्सट्रैक्ट हियर, इसी पर लिखिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होगा एक्सट्रैक्ट ऑल, लिखिए राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट ऑल, काहे नहीं लिख रहे हो यार, लिखते जाओ, आप क्या करोगे, राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट ऑल, जैसे ही करोगे आपका देखिए हो रहा है बाहर निकल रहा है, 17 MB का है ये फाइल, देखिए 17 MB,
परसेंटेज चलेगा अपने आप ये बाहर हो जाएगी फाइल, अब आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो कंप्यूटर में। तो लिखिए जीरो लेवल से नेट से लोड कर सकते हो। दिमाग आपका इधर उधर 1% होना नहीं चाहिए, एकदम लाइन बाय लाइन सभी लोग ऊपर देखते रहो कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, कैसे इंस्टॉल करना है। अब देखिए आ गया, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा। अब इस सॉफ्टवेयर को ओपन करिए। ओपन करूँ, क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दे दिया सेटअप, एप्लीकेशन वाले पे क्लिक करना है, सेटअप वाले पे। तो लिखिए क्लिक ऑन सेटअप, क्लिक ऑन सेटअप। ओपन ओपन, देखिए इंस्टॉल होने लगा। देखिए ये आपका सॉफ्टवेयर आ गया, यही है आपका एमएस टीसी। फिर लिखिए नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट करोगे, क्या करना है नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करेंगे ही तो नेक्स्ट करते ही अगला ऑप्शन जो जो पूछता जाएगा आप लोग करते जाइएगा। हर सॉफ्टवेयर यहाँ कह रहा है कि नया डालना है, रिपेयर करना है कि क्या करना है, तो हमको पहले ही बार डाल ले हो तो पहला ही कुछ सेटिंग मत करना, नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट कर देना, इसमें 1% दिमाग आपको नहीं लगाना है, सही है कि नहीं। यहाँ कह रहा है कि सर देखिए सी ड्राइव में, देखिए ऑटोमेटिक फोल्डर, देखिए यहाँ पे बता रहा है कि सर मैं सी ड्राइव के अंदर जा रहा है, कोई दिक्कत है क्या आपको, कहेंगे नहीं, इंस्टॉल होने लगा। ये टर्बो सी सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो गया। आपको 2 मिनट, जितना आपका कंप्यूटर स्लो रहेगा उतना धीरे धीरे होगा, जितना तेज रहेगा उतना तेज इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा एक ऑप्शन देगा फिनिश का, आप फिनिश पे यूज कर लेंगे। जैसे ही फिनिश करेंगे आपका सॉफ्टवेयर लोड हो गया। अब बात आपके दिमाग में ये आ रही होगी सर ये गया तो कहाँ गया, तो कहाँ गया, वही माई कंप्यूटर में गया। माई कंप्यूटर के अंदर सी के अंदर जाएंगे, कौन सॉफ्टवेयर लोड किए हैं, टर्बो सी, यही है ना टर्बो सी। इसके अंदर बीन, ये आपका आ गया, देखिए ऑटोमेटिक आ गया सी ड्राइव कर लिया। तो जो भी हम सॉफ्टवेयर लोड करते हैं वो कहाँ जाता है, बिन के अंदर जाता है। अब देखिए कुछ कंप्यूटर में जब भी लोड करेंगे तो नेट फ्रेमवर्क मांगेगा, क्या मांगेगा, फ्रेमवर्क। तो आप लोग के कंप्यूटर में डॉट नेट फ्रेमवर्क होना चाहिए जो प्लेटफॉर्म देता है। तो आपके कंप्यूटर में, बहुत कंप्यूटर में नहीं खुलेगा ये सॉफ्टवेयर लोड कर लोगे तो डॉट नेट फ्रेमवर्क ये माइक्रोसॉफ्ट की साइट से जाके लोड कर लेंगे, लेटेस्ट वर्जन जो भी लोड करना होगा डाउनलोड कर लेना यहाँ से विंडोज के लिए। ये क्या होता है, बहुत कंप्यूटर में नहीं लेता है तब तो आप इसे क्या कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे, है कि नहीं, डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे देखिए 30 सेकेंड में होगा। ये क्या है कि ये कुछ कंप्यूटर में नहीं लोड होता है। देखिए बच्चों कुछ कंप्यूटर में क्या होगा कि अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा, अब आइए लोड हो गया, आगे आइए। अब इसको हम क्या करेंगे, टर्बो सी सॉफ्टवेयर, अब आगे लिखिए यहाँ पे, अब देखिए उसी के अंदर लोड करना आ गया ना, अब उसी के अंदर आए चलेंगे। तो लिखिए क्लिक ऑन फाइल सेव एज, अरे भाई लिखना चालू करो, जहाँ पे थे वहीं पे क्लिक ऑन फाइल, फिर कहाँ जाएंगे, सेव एज, सेव एज के बाद की ड्राइव में जाना, सी ड्राइव में जाना है।
ये तो आप लोग जान ही चुके हो। सी ड्राइव के अंदर हमको कहाँ जाना है, वो सॉफ्टवेयर जो लोड किए हैं टर्बो सी अपने आप आ जाएगा। टर्बो सी इसके अंदर किसके अंदर हमको जाना है, बीन के अंदर जाना है। अभी बताए थे टर्बो सी के अंदर किसके अंदर जाना है, बीन के अंदर जाना है। लिखिए टर्बो सी के अंदर बीन के अंदर जाना है, याद रखिएगा। और यहीं पे अपना नाम डाल दीजिए, जैसे मैं डाल दिया राज डॉट सी पी पी, यहीं पे नाम डालना है राज डॉट सी पी पी। अरे आप लोग अपना नाम डाल दो, अपना नाम डाल दो। चलिए मान ली आपका नाम है पूजा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पूजा डॉट सी पी पी, ठीक है। और क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। जैसे ही सेव कर दोगे सेव करने के बाद ऑटोमेटिक यहां से जो भी हम सेव कर लेंगे ऑटोमेटिक सेव हो गया है उसके अंदर। अब लिखिए स्टेप नंबर 6, यहां तो कोई दिक्कत, तो अब यहाँ पे अब इसे हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव हो गया, यहाँ देखिए ऊपर नाम भी लिख के आ जाएगा बच्चों, जिस नाम से सेव किए रहेंगे। देखिए फाइल का नाम दे रहा है पूजा डॉट सी पी पी, पूजा डॉट सी पी पी, ये ऑटोमेटिक सेव हो गया। अब देखिए आगे क्या पॉइंट करना है। अब इसे 10 मिनट का और क्लास है, 10 मिनट में क्लास ओवर हो जाएगा, 5 ही मिनट में हम कर देंगे क्लास ओवर। तो आप लोग देखिए ध्यान से कि यहाँ पे गेस सी एच कर दिए। अब उसे कंपाइल कराना होगा, तो लिखिए अगला स्टेप ओपन टर्बो सी प्लस प्लस, लिखिए ओपन टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर, ओपन टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर। डायरेक्ट जहां भी लोड किए रहेंगे आप लोगों को पढ़ाते खोल देना है, सॉफ्टवेयर खोल देना है। टर्बो कौन सॉफ्टवेयर खोलना है, टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर खोल देना है। खोलने के बाद प्रोग्राम आपका जैसे ही खोल दोगे बच्चों, अब आइए हम खोल के दिखाते हैं। ये देखिए सॉफ्टवेयर खुल रहा है, देखिए ये सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। सॉफ्टवेयर थोड़ा नेट स्लो है इसलिए, अब लिखो सॉफ्टवेयर में खोलने के बाद सर तो है मिल लीजिए, वही दूसरा हो जाएगा ओपन करेंगे। अब लिखे स्टेप नंबर अगला, अगला स्टेप लिखो आप लोग लिखिए। इसके बाद क्या करोगे, आप लोग सॉफ्टवेयर खोल लिए हो, सॉफ्टवेयर खोलने के बाद आप लोगों को क्या करना है, उस टर्बो सी सॉफ्टवेयर को लोड करना है। किसको लोड करना है, टर्बो सी सॉफ्टवेयर को लोड करना है। टर्बो सी सॉफ्टवेयर लोड करने के बाद उसी में इस फाइल को ओपन करेंगे, तो लिखिए ओपन फाइल, ओपन फाइल। उसमें फाइल को हमको क्या करना होगा, ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद कंपाइल कराएंगे, लिखिए अगला स्टेप सेवन,
कंपाइल, देखिए कंपाइल द प्रोग्राम, कंपाइल द प्रोग्राम, कंपाइल द प्रोग्राम, कंपाइल कराएंगे। कंपाइल कराएंगे, कंपाइल कराने के बाद जितनी भी एरर होगी सभी एरर ऑटोमेटिक दिख जाएगा। जो भी कंपाइल कराएंगे वहीं पे ऑप्शन देगा कंपाइल का, जितनी भी एरर होगी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा हमारा दिख जाएगा। अगला स्टेप लिखिए, कंपाइल कराने के बाद कंपाइल करने का कमांड होता है ऑल्ट के साथ F9, लिख लीजिए ऑल्ट के साथ F9, लिखिए कंपाइल कराने का कमांड होता है ऑल्ट के साथ F9। उसके बाद लिखिए, उसके बाद आप लोग लिखिए क्या करेंगे, रन कराएंगे, लिखिए रन प्रोग्राम, कंपाइल कराएंगे, जो भी गलती होगी सामने दिख जाएगा उससे पहले सुधारोगे, लिख लो कंपाइल करेंगे तो तुरंत कल पूरा दिखाएंगे डीपली। कंपाइल कराने के बाद तुरंत वो रन होगा, पूरा दिखने लगेगा। उसके बाद रन करा दिए, अब लिखिए रन प्रोग्राम, रन प्रोग्राम। अगला उसका शॉर्टकट की लिखिए कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9। अब आपका आउटपुट लिख के आ जाएगा वेलकम इन माइक्रो किंग सी लैंग्वेज, जो आप लोग लिखे थे ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगा। आपका क्लास क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आप लोग वो कल और आगे इसके आगे पढ़ाया जाएगा।